मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले की मंडी में सोमवार को किसानों ने फसल के सही दाम ना मिलने पर तोड़फोड़ की। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना से किसानों को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। फसल का सही दाम ना मिल पाने की वजह से गुस्साए किसानों ने आगर मालवा जिले की मंडी में तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। पिछले कई दिनों से मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच फसल के दाम को लेकर विवाद चल रहा है। किसानों ने माल खरीदना मंडी बेचना बंद कर दिया और रोड पे आ गए। क्या चाहते थे किसान? ये चाहते थे कम से कम उनका भाव अच्छे भाव में बिके सोयाबीन। वो मेहनत करते हैं, मेहनत का उनको फायदा कुछ नहीं मिलता सोयाबीन के भाव में। किसान मेरे ख्याल से प्रशासन से और मंडी की व्यवस्थाओं से संतुष्ट भी थे, लेकिन इसमें कुछ विघ्न संतोषी लोग आ जाते हैं जिनके कारण से थोड़ा बहुत उपद्रव हुआ है। हमारे एक दो जवानों को और हमारे तहसीलदार को हल्की चोट आई है, तो उसको हम लोगों ने मिनिमम बल प्रयोग नहीं कहेंगे उनको दौड़ा करके शांति कायम किया गया है। मध्य प्रदेश में कुल 385 कृषि मंडी है जिनमें किसान अपनी फसल व्यापारियों को बेचते हैं। 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत अगर मंडी का खरीद मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम है तो उसके अंतर की रकम किसानों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। इस तरह किसानों को उनकी फसल का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार ही मिलेगा। स्कीम सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, मगर अन्य योजनाओं की तरह भी इसका फायदा किसानों की बजाय बिचौलियों को मिलने लगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए लगभग 1,19,000 किसानों ने इसमें रजिस्ट्रेशन भी कराया। इस योजना में साल 2017 की खरीफ फसल जैसे कि मूंगफली, तिल, तुअर, मक्का, उड़द एवं सोयाबीन की फसलें शामिल की गई हैं। मूंगफली, सोयाबीन, तिल, मूंग, उड़द और मक्का की फसलों की खरीद के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 15 दिसंबर 2017 तक का समय तय किया गया, जिसकी वजह से किसान अपनी फसल जल्द से जल्द बेचना चाह रहे हैं, लेकिन किसानों को उनकी फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही। उड़द और काली दाल की MSP 5,400 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मंडी में व्यापारी इसे 2,300 से 2,800 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीद रहे हैं, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की मंडी में इसकी कीमत 3,500 से 4,000 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं सोयाबीन की कीमत में भी भारी अंतर देखा गया है। एक तो पहले ही सोयाबीन की खेती साल 2017-18 में 12% तक कम हुई है, वहीं 3,050 रुपये MSP होने के बावजूद 2,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को लाभ प्रदान करना था, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें बदले में नुकसान पहुंचा है। व्यापारी किसानों की भुगतान की वो राशि काट रहे हैं जो उन्हें सरकार से मिलने वाली है, यानी किसानों के लिए शुरू हुई सरकार की इस योजना का फायदा बिचौलियों को मिल रहा है और किसान की हालत पहले से भी बदतर हो गई है। सरकार किसान के अकाउंट में ये रकम कब तक जमा करेगी, इसके बारे में भी सरकार ने अब तक कुछ नहीं बताया है। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।